बलिया से नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची को बेरहमी से टीचर ने पीटा। यूपी के बलिया में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही। एक स्कूल टीचर ने नर्सरी की 4 साल की बच्ची को बेरहमी से पीटा, वह भी बस इसलिए क्योंकि बच्ची अपनी कॉपी नहीं दिखा रही थी। इसके बाद बेरहम टीचर ने मासूम बच्ची के गाल पर इतने थप्पड़ मारे कि उसका पूरा चेहरा ही लाल हो गया। बच्ची रोती बिलखती रही, लेकिन टीचर का दिल नहीं पिघला और बच्ची को तड़ातड़ थप्पड़ मारते रहे। रोते हुए बच्ची जब अपने घर पहुंची तो माता पिता को सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे टीचर ने बेरहमी दिखाते हुए बिना रुके उससे खूब थप्पड़ मारे। बच्ची की बात सुनने के बाद अभिभावक आग बबूला हो गए और खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसको देखते हुए प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया और जांच शुरू कर दी। जी बेटा, क्या नाम है आपका? जोरसूली। कौन सा बोला बाबू, क्या नाम है? अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती हो आप? नर्सरी। नर्सरी में पढ़ती हूं। स्कूल का क्या नाम है? बिता पवित्र मित्र। क्या हुआ था कल आपके साथ? कौन मारा है बेटा? कौन मारा? विकास। हैं? विकास। विकास सर क्यों मारे बेटा? कॉपी खाते। कॉपी के लिए किस चीज मार रहे थे आपको? हाथ। हाथ से मार रहे थे? कितना मारे हैं आपको? कितने हाथ से मारे हैं? कई बार मारे हैं आपको? साधु, एक बार मारे, दो बार, कितने बार आपको मारे हैं? कई बार। एक बार। एक बार। कई बार। तो आपको चोट भी आई थी, दर्द भी हो रहा था, तो रो रही थी यहाँ? घर को किससे बताई यहाँ आकर? पापा। पापा तो आज आप स्कूल गई थी आज? क्यों डर लग रहा है? क्यों नहीं स्कूल गई आप? डर लग रहा है जाने से स्कूल? क्यों डर लग रहा है? सकाई हो रही है इसकी डॉक्टर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता और पंकज। घर कहाँ पड़ेगा? घर बालेश्वर घाट कृष्णा नगर बलिया जी। क्या हुआ था आपके बच्ची के साथ और किस स्कूल में पढ़ती है ये? ये पढ़ती है विकास पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल, जापलिंगगंज, रामलीला मैदान के सामने गली है, उसी स्कूल में पढ़ती है। क्या हुआ था इनके साथ? इसके साथ कल की घटना है। ये कल गई थी स्कूल और जब स्कूल से आई तो रोते रोते आई, तो हमारे पे फ़ोन गया था तो हम काम बस आ नहीं पाए। जब हम रात को आए 10:30 बजे देखे कि इसके पूरे गाल पे निशान है, दाग है। तो आप किसी टीचर या प्रिंसिपल से बात की है इस मामले को लेकर? इस मामले को बात की है, उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने बहाना बनाया कि बाथरूम में गिर गई है। अच्छा, बाथरूम में गिर गई है। हम फिर बाद में मालूम चला बच्चों से, हमारे बगल के बच्चे पढ़ते हैं उनसे मालूम चला, और भी बच्चे पूछे, बोले वो भी पढ़ता है, तो मालूम चला कि नहीं, सर मारे हैं इसको रूम में बंद करके। आपके जब बच्ची आई और जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपकी बच्ची क्या आपको बताइए? हमारी बच्ची से पूछे तो बच्चे बोले कि हमको मारे हैं विकास सर। हम बोले काहे लिए मारे हैं, तो बोली कि कॉपी नहीं निकाल रहे थे इस वजह से उन्होंने मार दिया, छोटा पकड़ के मार दिया। तो इसको लेकर आप स्कूल में गए थे? गए थे। क्या आपसे और उनकी बातचीत हुई? क्या उनका कहना था? उनका कहना तो माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे हैं गलती हो गया है। 4 दिन पहले हमको, फिर वो हमारे बच्चे को मारे थे ड्रेस के लिए। इतनी छोटी बच्ची को आपने क्यों इस तरह? हमने तो उनसे पूछा, बोले गलती हो गई। कितने साल की बच्ची है आपकी? 4 साल की। तो आपने स्कूल के विरोध या जिस टीचर ने पिटाई किया है उनके विरोध कार्रवाई करने के लिए या कहीं तहरीर वगैरह कुछ दिए हैं? कार्रवाई हो रही है। कहाँ दिए हैं तहरीर? ये अभी नगर अधिकारी को दिया गया है, नगर मजिस्ट्रेट, शिक्षा अधिकारी को, खंड शिक्षा अधिकारी। हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। पुलिस स्टेशन में FIR वगैरह? वो कल जाएंगे हम लोग, वो कार्रवाई हम लोग कल करेंगे। कल जाकर तहरीर देंगे।